हेलो जय हिंद डियर इंडिया स्पेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ों की बात कर रहे होंगे। एक आपके लिए न्यूज़ है और दूसरी आपके लिए जो यहाँ पर वीडियो का मैटर होने वाला है, यानी मॉक आपको कैसे करने हैं, कितने करने हैं और मॉक की इंपॉर्टेंस क्या होती है। साथ ही मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जो आपके मॉक के करने के तरीकों को बदल देंगी। आप अब तक जिस तरीके से मॉक कर रहे थे उसमें काफ़ी चेंज आ सकते हैं, और साथ ही जो तरीका है वो आपको और अच्छा इंप्रूवमेंट आपके अंदर लेकर आएगा और आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। पेपर करने का तरीका बदल जाएगा, जो आप एग्जाम में फाइनल बैठे होंगे उस एग्जाम को अटेंड करने का तरीका भी आपका बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ स्टेप में चलेंगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, देन आपको कितने मॉक करने हैं, फिर कैसे करने हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें, और साथ ही आपके पास एक न्यूज़ मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले बात करते हैं कि आपको मॉक की जो इंपॉर्टेंस होती है वो क्या होती है। तो देखो, किसी भी पेपर में हमें मॉक को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मॉक जब आप करते हैं तो मॉक से आपको ये पता चलता है कि पेपर को एक्चुअली अटेंड किया कैसे जाता है। जो प्रेशर एग्जाम का होता है उस प्रेशर को कैसे फील किया जाता है, कैसे उसको हैंडल किया जाता है ना, वो हमें मॉक से पता चलता है। अगर मैं बात करूं अपने की, तो मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया था तो मैंने वहां पर एक या दो मॉक, या लगभग मैंने शायद दो मॉक करे थे, उसके बाद कोई मॉक भी नहीं करे थे, यानी कह सकते हैं कुछ भी नहीं करा था मैंने। मैं इस गलतफहमी में था कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मॉक करने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है मैं अपनी तैयारी में टाइम दूंगा, मॉक में नहीं दूंगा। लेकिन हुआ क्या, जब एग्जाम में आप बैठे होते हैं तो ये होता है कि आपको पता नहीं होता कि एग्जाम को आपको किस तरह से हैंडल करना है, कौन से क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को आपको बाद में अटेम्प्ट करना है। देन यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ के पेपर में आती है, जहाँ पर टाइम आपके पास कम होता है। तो मैंने कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 10 मिनट तक खराब कर दिए। अब बाद में मुझे पता चला कि मैं काफ़ी कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाया जबकि मुझे आते थे। जब मैंने घर पे आके पेपर चेक करा तो मुझे पता था कि इसमें आगे भी मुझे 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे थे, पर मैं क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने मॉक नहीं कर रहे थे, टाइम मैनेजमेंट मुझे नहीं पता था। दूसरा, हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है। तो जब एग्जामिनेशन सेंटर में आप पहली बार बैठे हो टेस्ट देने या पेपर देने, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जो प्रेशर आपके पास है, जो पेपर इतना बड़ा है दिख रहा है, उसको कैसे मैं हैंडल करूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी जब तक आपने कोई मॉक किया नहीं है। तो चाहे GAT का पेपर हो या चाहे आपका मैथ का पेपर हो, मैथ के पेपर में टाइमिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आपको समझ में नहीं आ गए कौन से क्वेश्चन को आपको पहले अटैम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में अटैम्प्ट करना है। और GAT के पेपर में टाइमिंग तो आपके पास होती है, पर आपको क्वेश्चन किस तरह से हैंडल करने हैं, प्रेशर को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि GS में जिस तरह क्वेश्चन होते हैं वो आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा देते हैं, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है फिर दूसरा नहीं आता है, क्योंकि GS में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे निकल जाएंगे आपके दिमाग से, आपको सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे, पता है तो ठीक है वरना नहीं। तो वहाँ पर आपके पास प्रेशर जो होगा उसको कैसे आपको हैंडल करना है वो सारा आपको मॉक से पता चलेगा। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, तो जिस इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात मैंने वीडियो के शुरुआत में कही थी वो मैं आपको बता देता हूँ। अन अकेडमी आप डिफेंस एस्पिरेंट के लिए लेकर आया है अपनी ऑफलाइन वर्कशॉप। ये आपकी जो वर्कशॉप है ये पुणे में ऑर्गेनाइज होने वाली है और दिल्ली में। तो यहाँ पर जो पुणे में आपकी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होने वाली है, इसकी बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर चाहे आप कोई भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CDS, NDA, AFCAT, CAPF या SSB की तैयारी कर रहे हो, ये वर्कशॉप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि एक ऑफलाइन वर्कशॉप है जिसमें आप अटेंड कर सकते हैं। ये 19 जून को होने वाली है, 2020 19 जून को ये होने वाली है। इसका टाइमिंग जो है वो 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक है, और यहाँ पर आपका एड्रेस आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसमें आप फ्रीली एनरोल कर सकते हैं। अब एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक फॉर्म दे रखा होगा, ये फॉर्म आपको फिल करना है, और इस फॉर्म को फिल करते हुए आपको एक कोड यूज़ करना होगा, Apex 10। अब ध्यान रखना, जब आपको इसको फिल कर रहे हो तो आपको Apex 10 कोड यूज़ करना होगा, तब जाकर आप इसके लिए फिल कर पाओगे। देन जब आप इसको अटेंड करोगे तो आपको मौका मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से मिलने का, साथ ही उनसे अपनी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने का, उनसे कुछ सीखने का कि किस तरह से आपको प्लानिंग करनी चाहिए, प्रिपरेशन का प्लान क्या होना चाहिए। तो एक्चुअली ये एक ऑफलाइन इवेंट इस तरह से होने वाला है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपके सामने इंडिया के बेस्ट एजुकेटर होंगे जो आपको डिफेंस कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं, उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वहीं अगर मैं बात करूं दिल्ली के इवेंट की, तो दिल्ली में एक इवेंट होने वाला है जो CAPF मॉक इंटरव्यू के लिए हो रहा है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप CAPF की तैयारी कर रहे हैं, जो 15 जून से 1 जुलाई तक चलेगा, यानी आपको 15 डेज तक ये चलने वाला है, जहां पर आपके लिए मौका मिलेगा यहां पर आपका इंटरव्यू देने का। इसके लिए भी आपको गूगल फॉर्म एक फिल करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दे रखा है जिसमें आपको फिल करते हुए देन वहाँ पर भी Apex 10 कोड अप्लाई करना होगा, और आप इसके लिए फिल कर सकते हैं। देन आप वहाँ पर अपना मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके बाद आपके लिए कई सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड यहाँ पर ऑफिसर हैं उनके सामने आपको मॉक इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। उसके साथ ही आपके मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग भी होगी, जो आपको बाद में प्रोवाइड करा दी जाएगी, मतलब जो इंटरव्यू आप देंगे उस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और सही कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। अब यहां पर हम मॉक की तरफ चलते हैं और फिर से बात करते हैं कि आपको कितने मॉक करने चाहिए। अब यहां पर मॉक जो आपके होते हैं, यहां पर कम से कम अगर मैं बात करूं अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो 72-75 डेज अगर आपके पास अभी बचे हैं एग्जाम के लिए, तो आप मॉक जो कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास
20 मॉक होने चाहिए कम से कम, जो बता रहा हूँ मैं। अब ये 20 मॉक किस तरह से होने चाहिए, इसमें से 10 मॉक आपके होने चाहिए मैथ के और 10 मॉक होने चाहिए आपके जीएटी के। तो आपको मॉक का मैंने नंबर बता दिया है, आप इसमें से कुछ नंबर आगे पीछे यानी ज़्यादा और कम कर सकते हो, पर इतने मॉक आपको देने ही चाहिए। तो इतना मैं सही मानता हूँ, कम से कम इस हिसाब से अगर आप अभी से दे रहे हो मॉक तो 20 मॉक आपके होने चाहिए। फिर यहाँ पर बात करते हैं मॉक होने कैसे चाहिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप मत करना, छोड़ना मत, क्योंकि सारे जो पॉइंट बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं। पॉइंट नंबर वन, हमें मॉक करना कैसे है? तो आप समझिए, जो आपने 20 मॉक अभी डिसाइड करें हैं, तो आप इस तरह से करिए कि आपके पास अगर डेज मान ले रहे हो तो आप हर 3 दिन के अंदर एक मॉक कर रहे हो, यानी आप मैथ का मॉक कर रहे हो और जीएटी का मॉक कर रहे हो, या अगर आप एक ही दिन के अंदर दोनों मॉक कर रहे हैं तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। यानी दो तरीके आपको पता चले गए मॉक करने के, या तो एक दिन में एक या एक दिन के अंदर दोनों मॉक। फिर आती है मॉक की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, देखो यहाँ पर आपको ज़्यादातर लोगों को लगेगा यार मैं किसी भी टाइम मॉक दे दूंगा मुझे क्या जा रहा है, लेकिन अगर आप मॉक दे रहे हो तो मॉक का एक टाइम ऐसा बना लो कि जिस टाइम आपका एग्जाम होता है ना वैसा ही मॉक करो। जैसे अगर आपके मैथ के एग्जाम की बात करें तो वो 10 बजे से 12:30 के बीच में हो रहा होता है तो उस टाइम पर मैथ का मॉक दीजिए। जीएटी की बात करें तो वो 2 बजे से 4:30 के बीच में होता है तो वहाँ पर जीएटी का मॉक दीजिए। अब इससे क्या होगा, कोई फायदा मिलने वाला है? समझिए, हमारे ना एक बायोलॉजिकल साइकिल होती है। अब बायोलॉजिकल साइकिल में हम जो चीज़ें जिस टाइम पर कर रहे होते हैं ना वही चीज़ें होती रहती हैं। जैसे अगर आपको रोज़ 12 बजे सोने की आदत है तो आपको हर दिन लगभग 12 बजे के पास नींद आ जाएगी, तो आपको वो सारी चीज़ें बहुत नेचुरल लगने लगेंगी। तो अगर आप 20 मॉक उन्हीं टाइम पर दे रहे हैं जिन टाइम पर आपका पेपर होता है, तो जिस दिन आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होंगे वो चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रही होंगी, आपको ज़्यादा वो प्रेशर नहीं दे रही होंगी, क्योंकि आपको लगेगा कि यार इस टाइम पर तो मैं मॉक करता था। तो थोड़ा बहुत वो आपको बायोलॉजिकल साइकिल में थोड़ा सा फिट बैठ जाएगा, जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। फिर यहाँ पर दूसरी बात करते हैं कि मॉक देते हुए करना क्या है। अब जब भी आप एक मॉक दे रहे हैं उसके बाद आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट करनी है, देन कैसे करनी है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉक जब आप करते हैं तो आपको पास एक रिजल्ट तो निकल कर आता है, आप ऑनलाइन मॉक दे रहे हैं या ऑफलाइन मॉक दे रहे हैं। ऑफलाइन दे रहे अपने आप से निकालना हो, ऑनलाइन दे रहे निकल कर आएगा। पर इसके अलावा आपको हर मॉक के लिए एक कॉपी बना लो, हर मॉक के बाद उसमें कुछ ना कुछ लिखना है। अब क्या लिखना है वो समझिए, सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, सब्जेक्ट जो हो गया उसका लिख दिया कि सब्जेक्ट मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे, इतने सही करे, इतने गलत करे और इतने मार्क्स मेरे आ रहे हैं। देन आपको उसके अंदर ये देखना है कि आप किस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं रहे हैं। नंबर वन पॉइंट ये हो गया आपके पास। तो सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं मैथ की, तो मैथ के पेपर में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो आपको देखते ही हो जाएंगे उसका आंसर आप सीधे बता देंगे, दूसरा आपके लिए जिसमें पेन उठाने की जरूरत होगी पर 1 से 2 लाइन के अंदर उसका आंसर आ रहा होगा, तीसरे टाइप के वो क्वेश्चन जिसके अंदर आपको देखकर लगेगा कि यार ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें मुझे काफ़ी कैलकुलेशन करनी होगी। तो आपको मॉक करते हुए आपको पहले ये देखना है कि आपको ये 3 तरह के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो अगर शुरू के 5 से 10 मिनट आप इस चीज़ के अंदर ले रहे हैं कि आप पूरे पेपर को ओवरव्यू ले रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं, कौन से मैं सॉल्व कर सकता हूँ कौन से मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से चलिए। क्योंकि अगर आपने पहले से पेपर करना शुरू करा, मान लीजिए अगर पहले आपके क्वेश्चन कुछ हार्ड हैं, यार आपने हार्ड क्वेश्चन में अगर टाइम वेस्ट कर दिया लेकिन बाद में जाके ईजी क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो आपको बाद में पता चलेगा जब आपका पेपर ओवर हो चुका होगा तो आपको काफ़ी अफसोस होगा। तो इससे पहले आप सारी चीज़ों को देख लेंगे आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको सबसे पहले उन क्वेश्चन पर जाना है जिसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, देन दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पर जिसमें 1 से 2 लाइन के अंदर सॉल्यूशन हो रहा है, देन तीसरे नंबर पर। फिर आपको देखना है कि इसके अंदर स्पीड को इंप्रूव करना है, क्योंकि मॉक हम कर इसलिए रहे हैं ताकि हमने स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को ही मैनेज कर सके। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को निकालते जाना उस टाइम पर मैथ के पेपर में ज़्यादा जरूरत होती है, और अगर मैं बात करूँ आपके जीएस के पेपर में या जीएटी के पेपर में तो वहाँ पर आपको स्पीड की तो इतनी जरूरत नहीं होगी, उतने टाइम में आप कर देते हैं, पर यहाँ पर जरूरत होती है एक्यूरेसी की। तो वहाँ पर आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है और यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर ध्यान देना है। तो स्पीड एक्यूरेसी को मैनेज करते चलें कि आपके क्या क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन इंप्रूव हो रहे हैं हर मॉक के बाद, तो वो सारी एक रिपोर्ट बनाते हुए अपनी चलें कि अगर मैंने पिछले में अगर मैथ के 120 में से 60 क्वेश्चन करे तो क्या अगली बार मैं 65 कर पा रहा हूँ, अगली बार मैं 70 कर पा रहा हूँ, तब ठीक है। अगर आप 55 पे जा रहे हैं 60 से तो आपको उसको रिव्यू करने की जरूरत है, उन चीज़ों को सुधारने की जरूरत है। अगर हम बात करें इसके थर्ड पॉइंट की, तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आप कैलकुलेटिव तुक्का कैसे लगा रहे हैं। अब ये प्रैक्टिस आपको मॉक के साथ में ही करनी होगी, ये प्रैक्टिस मैथ के पेपर में तो नहीं होती है पर जीएटी के पेपर में आपको करनी है। अब क्यों करनी है समझिए, वैसे तो आपको जितने मॉक कर रहे हैं आपको ये मानकर चलना है कि आप 450 का स्कोर कम से कम कर पा रहे हो, क्योंकि उतना आपके लिए चाहिए उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो उतनी चीज़ तो आपके लिए करनी होगी इतना एग्जाम आपके मार्क्स आ रहे हो। फिर दूसरा आपके पास आता है क्या कैलकुलेटिव तुक्का काम करेगा। अब तुक्के की बात आती है, भाई मैं तुक्का लगा सकता हूँ या नहीं लगाऊँ, तो आपको एक चीज़ होती है तुक्का नहीं लगाना, मतलब सीधा सीधा तुक्का नहीं है कि मेरा मन करा ए बी सी डी करा कुछ भी लगा दिया, नहीं। कैलकुलेटिव तुक्के का मतलब होता है आंसर को एलिमिनेट करना। जैसे अगर आपने जीएस का पेपर देखा तो जीएस के पेपर में आपको ऐसा लगता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा देन आपने लगा कि ये वाला आंसर तो यार इससे रिलेट नहीं कर सकता है क्योंकि ये किसी और का आंसर है,
या होता है कई बार, तो आपको पता होगा कि नहीं इसका तो नहीं हो सकता फिलहाल, तो आप उसको हटा दोगे। देन आपके पास चार आंसर है, तो उसमें से आंसर को एलिमिनेट करना शुरू करो, इसको हटा दिया, हाँ ये इसका नहीं हो सकता, ये वाला इसका नहीं हो सकता, ये नहीं इसका हो सकता। एक्चुअली आपको जो सही आंसर था वो पता ही नहीं था, लेकिन आपको उसमें से तीन या दो गलत पता थे, तो आपको क्या करना है, दो हटा दिए, देन उसके दो जो रहेगा उसमें से रिव्यू करा कि हाँ भाई इसमें से कौन सा हो सकता है, कौन सा ज़्यादा क्लोज है उसको देखो। उसके बाद अगर आपको लगता है तीनों आपने एलिमिनेट कर दिया, तो चौथे को लगाओ। अब इन क्वेश्चन को अलग से मार्क करके चलना और इनके नंबर्स को नोट कर लेना, चाहे क्वेश्चन के हाँ कि इन वाले क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेटिव तुक्का लगाया था, यानी आंसर को एलिमिनेट करा था। फिर जब पूरा मॉक देने के बाद उसका रिजल्ट आएगा, तो उसमें आप चेक करना कि आपका क्या ये वाला क्वेश्चन ठीक गया था या नहीं गया था, यानी जो आप तुक्का लगा रहे हो कैलकुलेटिव, या आप जो आंसर एलिमिनेट कर रहे हो, कि अब आपके सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर सही जा रहे हैं तो इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा आप पेपर के अंदर भी करिए, क्योंकि वहाँ पर आपके कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपके पास टॉपिक नहीं भी पढ़े हैं तब भी, लेकिन बहुत ज़्यादा मत करना। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले से प्रैक्टिस करके चलना, ताकि ये चीज़ें सारी की सारी आपको समझ में आने लगे। फोर्थ पॉइंट जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सभी चीज़ों को लेने के बाद आपको ये देखना है कि क्या आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ओवरऑल रिव्यू हमारा इस बात पर मैटर करेगा कि जितनी चीज़ें मैंने अभी निकाली हैं कि अगले एग्जाम में मेरे मार्क्स बढ़ रहे होंगे, अगले मॉक में मेरे मार्क्स बढ़ रहे होंगे। अगर मार्क्स बढ़ रहे हैं तो हम सही दिशा में जा रहे हैं, और नहीं बढ़ रहे हैं तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं। चीज़ों को देखने की जरूरत है, उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करिए जो आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं, जिनमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, जिसमें आपका रेशियो 80-90% का आ रहा है। देन आप उनको भी ध्यान दीजिए कि जिसमें आपका 10-20% का रेशियो आ रहा है, यानी काफ़ी खराब रेशियो आ रहा है, और उस पर आप काफ़ी टाइम भी दे रहे हैं, तो आप कोशिश करनी चाहिए कि आपको उन टॉपिक पर जाना है जिसमें आपका 50-40 का रेशियो आ रहा है, जिसको आप इंक्रीज कर सकें, और साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप ना छोड़ें, वो भी आप ध्यान रखना है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपने पॉइंट अप्लाई कर ली है, तो आप मॉक देने के बाद अपने आपको एक प्रो लेवल पर पहुंच जाएंगे, और मॉक देने का एक सही तरीका ये होता है। और इसमें मैंने काफ़ी पॉइंट है जो मैंने खुद से अप्लाई करे थे अगले वाले एनडीए एग्जाम में, तो उसके बाद मैंने दोनों एनडीए के एग्जाम निकाले थे। हालांकि आपके कुछ और भी पॉइंट हो सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर अप्लाई करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मॉक को कर रहे होंगे, एंड इंप्रूव भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एनडीए एग्जाम में। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें, कोई और भी डाउट आएगा तो उसे पूछें। और साथ ही एनडीए का जो यहाँ पर बात करें, तो आपको जो पुणे में और दिल्ली में वर्कशॉप होने वाली है, उसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको फॉर्म दे रखे हैं, तो उसको फिल करना ना भूलें, और जाएं उसको ऑफलाइन जो इवेंट होने वाला है उसका आनंद उठाएं, उसमें जो एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं उसका फायदा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद।